हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा सॉस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पिज्जा बनाने के बारे में। तो पिज्जा सॉस के लिए मैंने बारीक लहसुन कट कर लिया है, अदरक और प्याज भी कट कर लिया है, और मैंने दो बड़े साइज का पका हुआ टमाटर को मिक्सर में पीस लिया। मैंने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को चढ़ाया है और मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैंने कटा हुआ अदरक लहसुन और इसे हल्का गोल्डन होने दिया है हल्का कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मैंने चला लिया कुछ सेकंड के लिए। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें जो पिसा हुआ टमाटर है उसे भी ऐड कर लेंगे और हम इसे 0 फ्लेम पर ही पकाएंगे। और मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स एंड सोल्ट। इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारी सॉस जो है बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाएगी। हम इसे ऐसे ही चलाते हुए रहेंगे। अगर आपको लगे कि कलर नहीं आ रहा है तो आप कलर के लिए इसमें डाल सकते हो कुछ बूंद सोया सॉस के, और नहीं तो आप कश्मीरी मिर्च जो होता है उसे भी डाल के कलर ला सकते हो। और हमारा पिज्जा सॉस जो है जब तक गाढ़ा नहीं होगा हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अब हमारा पिज्जा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक